Hello to everyone, welcome to Gate Concepts. So today we will discuss the concept of speed control by varying field flux, also called the field control method. Okay, so first of all we will discuss the theory part, then we will do virtual lab on this topic. So the first method is field control for shunt motor. Okay, so यहाँ पर हम लोग जो स्पीड को वैरी करने वाले हैं, स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं, वो हम लोग फील्ड वाले सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, जिस वजह से हम स्पीड कंट्रोल को वैरी कर पाए। ठीक है, अगर हम इक्वेशन की बात करें, मोटर की इक्वेशन की बात करें, दैट इज द ओमेगा एम, जिसका इक्वेशन होता है वी टी माइनस आई ए आर ए, वी टी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के एम इंटू फाइव डिवाइडेड बाई के एम इंटू फाइव। तो यहां पर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द फील्ड फ्लक्स, क्योंकि स्पीड के इक्वेशन में फील्ड फ्लक्स आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर के एम मशीन कॉन्स्टेंट है, वी टी इज द टर्मिनल वोल्टेज, आई इज द आर्मेचर करेंट एंड आर इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। वी टी इज द टर्मिनल वोल्टेज, ई इज द बैक ईएमएफ, आई इज द आर्मेचर करेंट, आर इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर एस एस इज द फील्ड रेजिस्टेंस और आर जी जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं फील्ड रेजिस्टेंस में। ओके, फील्ड सर्किट में और आई एफ इज द फील्ड करेंट फ्लोइंग इन द फील्ड सर्किट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्लक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो देर इज ए रिस्क ऑफ सेचुरेशन। तो मशीन के अंदर सेचुरेशन आ सकती है अगर हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं। तो कभी भी इस मेथड से हम फ्लक्स को कभी बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज देर शुड बी ए रिस्क ऑफ सेचुरेशन। सो कभी हम यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करते हैं बाय डिक्रीजिंग द फील्ड फ्लक्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फील्ड फ्लक्स को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो मोटर की स्पीड है वो बढ़ेगी, मोटर की स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो बेस स्पीड से हमेशा मुझे ज्यादा मिलता है। तो इस वाले मेथड में हम स्पीड को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन इस वाले मेथड में हम स्पीड को बेस स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से अबव करते हैं। ठीक है, अबव करते हैं, बिलो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो देर इज ए रिस्क ऑफ सेचुरेशन। ओके, इसलिए हमें फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो फ्लक्स को कम कैसे किया जा सकता है, बाई डिक्रीजिंग द फील्ड करेंट। और फील्ड करेंट को डिक्रीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो फील्ड करेंट क्या होगा, फील्ड करेंट हमारा घटेगा। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फील्ड करेंट घटेगा, और फील्ड करेंट अगर घटेगा तो जाहिर सी बात है इससे बनने वाला जो फील्ड फ्लक्स है वो भी घटेगा। अगर फील्ड फ्लक्स घटेगा तो ओमेगा जो स्पीड है मोटर की वो बढ़ेगी। तो इस मेथड से हमेशा हम बेस स्पीड से ज्यादा स्पीड अचीव कर पाते हैं। तो इस मेथड से कभी भी ये हमें नहीं सोचना है, ये थिंक नहीं करना है कि इस मेथड से हम स्पीड को कम करेंगे। इस मेथड से हमेशा हम स्पीड को नॉर्मल स्पीड से ज्यादा करते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड अबव द बेस स्पीड, अबव द नॉर्मल स्पीड। ओके, क्योंकि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स को हमें कम करना होता है तो हमारी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी हम फील्ड फ्लक्स को बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज देयर शुड बी ए रिस्क ऑफ सैचुरेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट है इस वाले मेथड में कि कैसे स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो हमने ये कंसेप्ट सीखा यहाँ से कि स्पीड को हम इस मेथड से इंक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, तो इतना सा कंसेप्ट है इसके अंदर। अब हम लोग इस कंसेप्ट के आधार पे हम वर्चुअल लैब करेंगे और देखेंगे किस तरह से सर हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, बाय वेरिंग द फील्ड फ्लक्स, आल्सो कॉल्ड द फील्ड कंट्रोल मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस वाले मेथड में, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और यहाँ पे टाइप करेंगे, दैट इज वर्चुअल लैब। ओके, वर्चुअल लैब सभी लोग टाइप कर लेंगे, फिर यहाँ पर ये पेज खुलेगा। ठीक है, vlab.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कि मशीन से रिलेटेड है, डीसी मशीन से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन तो दिख रहा है, तो देखते हैं। चलो, अच्छा, इसमें क्या है फिर। ओके, ठीक है, चलो,
तो गूगल में ये वी लैब डॉट को डॉट इन टाइप करने के बाद सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन COEP लैब में जाएंगे. ओके, दैट इज टेक्निक COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे. ओके, तो इसके अंदर जाएंगे, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में जाएंगे जहाँ पे IIT रुड़की लिखा हुआ है. ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट देखने को हमें मिल जाएगा. चल, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन लैब IIT रुड़की, यहाँ पे जाएंगे और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी मोटर का बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल. ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं अप टू 8, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे वर्कआउट करना है, दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले एम की अगर बात करें टू स्टडी द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द आर्मेचर करंट एंड मोटर स्पीड बाय वेरिंग द फील्ड रेजिस्टेंस. ओके, तो थ्योरी जो है हमने बताया अभी शॉर्ट में कि किस तरह से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं डीसी मोटर का बाय फील्ड कंट्रोल, फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड. ठीक है, तो ये रहा सर्किट डायग्राम. ठीक है, तो ये रहा थ्योरी और इसके बाद हम लोग प्रोसीड्यूर में जाएंगे. ठीक है, प्रोसीड्यूर में इन्होंने बता रखा है किस तरह से वायर को कनेक्शन करना है. ठीक है, जैसे ए को पी में, बी को के में, इस तरह से दिए हैं. तो इंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग सर्किट डायग्राम को जोड़ सकते हैं, सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर दे रखा है, वोल्ट मीटर एमीटर दे रखा है. ठीक है, डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर का फ्रंट व्यू दे रखा है. ओके, सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन करते हैं इसके अंदर. तो सिमुलेशन के अंदर सबसे पहले एज पर इंस्ट्रक्शन ए को पी में कनेक्ट करना है. ठीक है, तो ए को हम लोग पी में कनेक्ट कर लेंगे. ठीक है, फिर बी को के में करना है तो बी को के में कर लेंगे, ये रहा, बी को के में कर लेंगे. उसके बाद अगेन बी को वाई में करना है, बी को वाई में करना है, ये भी हमने कर लिया. उसके बाद बी को जे में करना है, बी को जे में करना है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिए बी को जे. फिर क्यू को एल में करना है, फिर क्यू को एल में करना है, चलो ये भी हो गया क्यू को एल. फिर जी को आर में करना है, जी को आर में करना है, जी को आर में करना है, चलो ये भी हो गया जी को आर में हमने कर लिया. उसके बाद ई को एम में करना है, ई को एम में करना है, ई को हमने एम में कनेक्ट कर दिया, ई को एम. फिर एफ को डी में करना है, एफ को डी में करना है, एफ को डी में करना है, एफ को डी में करना है. फिर एच को आई में करना है, फिर एच को आई में करना है, एच को आई में करना है, एच को आई में करना है. ठीक है, एच को आई में करना है, फिर आई को सी में करना है, आई को सी में करना है. ओके, आई वेर इज आई, आई को सी में करना है, ये भी हो गया. फिर लास्ट है सी को एच में करना है. ओके, सी को एच में करना है, सी को एच में करना है. तो इस तरह से हमें कनेक्शन को कंप्लीट करना है. ठीक है, और उसका तो हमें चेक कर लेना है कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं. तो अगर चेक में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट कनेक्शन, प्रोसीड टू टेक रीडिंग. हम लोग रीडिंग ले सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम फील्ड करंट को घटाते हैं, ठीक है ना, तो फील्ड करंट को अगर हम लोग घटाते हैं बाई एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द फील्ड सर्किट, ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स हमारा घटेगा और फील्ड फ्लक्स अगर घटेगा तो स्पीड हमारा नॉर्मल स्पीड से अबव मिलेगा. ठीक है, तो इस रीडिंग से ये चीज क्लियर हो जाएगी. इसके बाद हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं. ठीक है, इसको ऑन हमने कर दिया, चलो ये ऑन हो गया. ऑन हो जाने के बाद MCB हमारा ऑन हो गया, 3 पॉइंट स्टार्टर में लाइट आ चुका है. ठीक है, इसके बाद हमें सप्लाई देना है डीसी मोटर को, 220 वोल्ट डीसी देना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. ठीक है, हम लोग जानते हैं रेक्टिफायर के हेल्प से एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है. तो इसके लिए क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस के हेल्प से वोल्टमीटर को सेट कर लेते हैं. ठीक है, 2 to 24, तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं, चलो ये 220 हो गया. ठीक है, 220 हो गया, चलो वेरी गुड. तो 220 पे रीडिंग दिखा रहा है, 220 वोल्ट वोल्टमीटर रीड कर रहा है. ठीक है, अब हम फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाले हैं. फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाले, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस फील्ड रेजिस्टेंस को एक्चुअली यहाँ पर इस वाले सिमुलेशन लैब के अंदर, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, वो कम है. रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है. ठीक है, तो एक टेबल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैक्सिमम नहीं कर रखा है, ये रेजिस्टेंस मिनिमम इंडिकेट कर रहा है. एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस को मिनिमम यहाँ पे सो होना चाहिए और ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इन्होंने जो बनाया है मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये जो फील्ड रेजिस्टेंस है यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं
क्योंकि हम इस वाले मेथड में कभी भी फील्ड फ्लक्स को बढ़ाते नहीं है क्योंकि इससे मशीन के अंदर सैचुरेशन आता है प्रैक्टिकली। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फील्ड रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हम यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं ताकि करंट कम हो, फील्ड फ्लक्स कम हो तो स्पीड हमें ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा है ये इंडिकेट करता है, ये जो रेजिस्टेंस ये इंडिकेट करता है मिनिमम पोजीशन को। अगर हम ऐड टू टेबल करें, यहाँ पे ऐड टू टेबल करें तो यहाँ पे देखते हैं करंट सर यहाँ पे 1 एम्पीयर बता रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस करंट 1015 आरपीएम हमें स्पीड मिल रही है। अब हम रेजिस्टेंस को यहाँ से बढ़ाते हैं, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियस है कि कम होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस है करंट कम होगा, तो चलो बढ़ाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बढ़ाए देखो तो स्पीड हमारा बढ़ गया, 1270 हो गया, ठीक है। अगर ऐड टू टेबल में जाएंगे तो देखो करंट हमारा घटने लगा, 0.9 पे आ गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस था पहले ये मिनिमम पे था, अब धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू जो है ऑब्वियस है कि वो गिरेगी, तो गिर रही है ना, बढ़ नहीं रही, गिर रही है। 1 से 0.9 हो गया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, करंट का कम होने का क्या मतलब है कि सर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। करंट के कम होने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट कम होगा, उससे बनने वाला फील्ड फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। देखो 1015 से 1270 पे आ गया, फिर हम बढ़ाते हैं, चलो ये हमने बढ़ाया तो स्पीड यहाँ पे दिख भी रहा है कि स्पीड जो है 1400 आरपीएम पे पहुंच गया। ऐड टू टेबल कर लेते हैं तो देखो 0.8 पे आ गया करंट और जो स्पीड है वो 1400, यानी स्पीड हमारी बढ़ रही है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है और स्पीड हमारी बढ़ रही है। करंट को यहाँ से भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये फ्रंट व्यू डीसी मोटर का, इसकी स्पीड तुम्हें बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी जो स्पीडोमीटर बता रहा है वो 1480 बता रहा है। ऐड टू टेबल करते हैं, करंट अगेन कम हो गया, करंट कम हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है उससे बनने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड हमारा बढ़ रहा है। 1015 से 1480 पर हम आ गए, ठीक है। हम आगे और बढ़ाते हैं, अगर आगे बढ़ाएंगे यहां तक हमने रीड आउट कर लिया था, चलो 1480 तक हमने कर लिया था। यस, नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब करंट हमारा कम होगा और यहाँ पे देखो स्पीड जो है 1575 आरपीएम दिखा रहा है। अगर ऐड टू टेबल में जाएंगे तो देखो ऑब्वियस है करंट हमारा 0.6 पे पहुंच गया है और स्पीड यहाँ पे 1575 आ गया है, तो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं देखो ये जो फ्रंट व्यू डीसी मोटर का, इसमें स्पीड तुम्हें इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, ठीक है। फर्दर हमने बढ़ाया, ऐड टू टेबल करा, ठीक है। तो ऐड टू टेबल में अगेन हमारा करंट 0.5 पे पहुंच चुका है और स्पीड जो है वो 1700 आरपीएम, यानी हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट कम हो रहा है और स्पीड हमारा निरंतर बढ़ते जा रहा है। और अगर आगे बढ़ाए ठीक है, तो 1930 पे आ गया, ठीक है। ऐड टू टेबल करते हैं, करंट 0.4 आ गया, रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं और स्पीड जो है वो 1930 आरपीएम तक पहुंच चुका है। और आगे बढ़ाते हैं, देख 2100 आरपीएम पे आ गया, 0.3 करंट घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट घट रहा है और स्पीड बढ़ते जा रहा है। और आगे बढ़ाते हैं ऐड टू टेबल, देखो स्पीड जो है 2340 आ गया। तो देखो ये जो फ्रंट व्यू डीसी मोटर है कितनी तेजी से स्पीड जो है वो अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर ऐड टू टेबल अगर करते हैं 2340 आरपीएम बता रहा है और करंट जो है 0.2 है। एक रेटिंग और ले लेते हैं, चल ये तो करंट की वैल्यू 0.2 हो चुकी है और स्पीड 2340 आरपीएम पे पहुंच गया है। इसको ऐड टू टेबल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट जो है वो 0.1 एम्पीयर पे आ चुका है, यानी करंट की वैल्यू जो काफी मिनिमम हो गई है, रेजिस्टेंस हमने मैक्सिमम कर दिया है, ठीक है। तो स्पीड हमारा 2500 आरपीएम को अचीव कर गया है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड देखो कितना फास्ट ही घूम रहा है। तो हमने टोटल 10 रीडिंग लिया, इसमें यही दिख रहा है कि सर जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू निरंतर कम होती जा रही है और उससे बनने वाला फ्लक्स जो है वो कम होता जा रहा है और स्पीड जो है कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो 1015 से हम 2500 आरपीएम तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम था। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस कंसेप्ट के आधार पे, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे करंट यहाँ पे 1 एम्पीयर है और यहाँ पे 0.1 है, करंट जैसे जैसे घट रहा है, ऐसे जाओ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाओ, जैसे जैसे करंट घट रहा है, जैसे जैसे
करंट घट रहा है, जैसे जैसे करंट घट रहा है इसका मतलब वी आर इंट्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, वैसे वैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे करंट कम हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट कम होगा, तो जैसे जैसे करंट कम हो रहा है ठीक है, जैसे जैसे करंट कम हो रहा है वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हो रहा है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस करंट, ओके स्पीड वर्सेस करंट, जैसे जैसे करंट डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे करंट डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और स्पीड जो है मैक्सिमम 2500 आरपीएम को अचीव कर गया। तो इस मेथड में हम केयर करेंगे कभी भी हम रेजिस्टेंस को कभी भी करंट को मतलब बढ़ाते नहीं है, फील्ड फ्लक्स को हम बढ़ाते नहीं है ठीक है। अगर फील्ड फ्लक्स को बढ़ाओगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ सैचुरेशन, देयर इज अ रिस्क ऑफ सैचुरेशन ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा फील्ड फ्लक्स को कम करेंगे बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट ठीक है, तो करंट कम होगा तो उससे बनने वाला फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, और स्पीड इसका मतलब बेस स्पीड से हमेशा हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो है हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं ना कि घटते हुए क्रम, ओके। तो नॉर्मल स्पीड से बेस स्पीड से हमेशा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल लैब ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल, ओके। तो यहां पर चाहो तो प्रिंट लेके अपने कॉपी में लगा भी सकते, ओके। तो चल, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी है, इस इमेज को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो एज ए पीएनजी, ओके यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ठीक है, ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के साथ ठीक है। तो तब तक सारे स्टूडेंट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे मैक्सिमम ग्रुप के अंदर, ओके। थैंक यू वेरी मच।